सभी का स्वागत है हरियाणा उत्सव में। और आप देख रहे हैं कि आज सोनीपत पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से पूरे ज़िले में जो है पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आज 24 घंटे की हड़ताल के लिए जो है सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं और किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है तेल नहीं दिया जा रहा है। जहाँ भी कहीं पर अगर कोई पेट्रोल पंप का जो मालिक है अगर कहीं तेल देते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधे 21,000 रुपये का जुर्माना जो है वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से निर्धारित किया गया है। तो किसी भी पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी पेट्रोल पूरे सोनीपत में नहीं दिया जा रहा, जिससे आने जाने वालों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश मल्लिक है जी। तो मल्लिक साहब, ये पेट्रोल पंप आज बंद क्यों करो रहे हैं? पेट्रोल पंप इसलिए बंद है कि जो हमारे सोनीपत जिले की यूनियन है पेट्रोल पंप की, इन वगैरह की फैसला कराया कि हमारे जो जिले में सेल्समैन के साथ में पंप मालिकों के साथ में घटना घटती है, जो वारदात होती है कोई कैश छीनने की या कोई मारपीट करने की, इसमें निर्णय लिया कि हमें उसे स्ट्राइक रखेंगे। तो ये पूरे जिले में बंद है? पूरे जिले में बंद है जी। अगर कोई खोल ले मिल जाए, कोई तेल देता मिल जाए तो उसके ऊपर तो यूनियन ने अपनी जो उचित कार्रवाई लगे हुए करेंगे, वो चाहे उसमें आप है चाहे हमें चाहे और कोई और भी अन्य है। तो ये 24 घंटे की हड़ताल है या ज़्यादा भी हो सकती है? देखो तो समय बताएगा, अभी तो फिलहाल 24 घंटे का निर्णय लिया गया है। तो क्या मानते हैं किस तरह की हड़ताल लगता है आपको पूरे जिले में है? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे मतलब सभी भाइयों ने पंप डीलरों ने ये उठाया है, इसका एक बेटा उठाया कि इस पर अपराधियों को लगाम लगनी चाहिए और अंकुश लगना चाहिए और सेल्समैन की डीलरों की सुविधा होनी चाहिए कि ऐसी कोई घटना ना घटे। तो आपको लगता है कि पूरे सोनीपत में बंद होंगे पेट्रोल पंप? बिल्कुल बंद है। तो इससे जो है परेशानी हो रही है यात्रियों को भी और दूसरे? देखो इसलिए हम उन सभी यात्रियों से, सभी जितने हमारे कस्टमर हैं भगवान होते हैं और वो फोन से माफी चाहते हैं कि हमारी मजबूरी है। तो क्या कुछ हड़ताल से पहले बताया भी गया था लोगों को? हाँ बिल्कुल बताया गया था, सभी मैसेजों में डाल दिया था और अखबारों के माध्यम से भी दिया गया था सूचना। तो अभी अनिश्चितकालीन है, कुछ नहीं कह सकते कि 24 घंटे में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? हाँ ये समय बताएगा निश्चित है। तो ये मैसेज कब आएगा आपके पास फिर? ये कल सुबह 6 बजे बाद देखते हैं क्या होता है, या रात को कोई और बड़ा फैसला को वगैरह लेंगे। कितने बजे बंद हुए पेट्रोल पंप? मैं 5:30 बजे यहाँ आ गया था और मैंने 5:30 बजे बंद करवा दिया था, क्योंकि समय था 6 बजे करने का बंद। अगर आगे नहीं बढ़ा आ जाता तो कब खुलेंगे ये जो 6 बजे का टाइम होता है? फिर शाम को 6 बजे? सुबह, कल सुबह 6 बजे? कल सुबह, कल सुबह 6 बजे तक बिल्कुल बंद रहेंगे? बिल्कुल बंद रहेंगे। और आगे भी ये समय बढ़ सकता है? वो समय के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन है सर। अच्छा, तेल लेना आए थे? हाँ जी। मिले नहीं तेल? कहीं नहीं मिल रहा जी सर। कहीं नहीं मिल रहा? हाँ जी। तो कहाँ जाना था आपने? मेरे को गोरठ जाना था जी। गोरठ जाना था? तेल है नहीं? अब तेल नहीं है, तेल लेने की बात थी जी। और अच्छा, जाना था? जाना था बिटाना है। अच्छा, है नहीं मोटरसाइकिल में तेल? तेल सही खुनिया। पेट्रोल पंप की तो हड़ताल है, पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं? ये तो बोल दे को ना अगले के बताऊँ। तो कितनी परेशानी हो रही है फिर? परेशानी तो खूब है, परेशानी है बहुत जबरदस्त। तेल नहीं दे जावा के हम मंगा तो गया जी, देखेंगे उल्टे पहुंचेंगे कि नहीं। हां इवा आए हैं तो स्पीडो से आए हैं, गोड़ जान लग रहा है, फिर वापसी जाना है। पहले नहीं पता था आपने? नहीं पता नहीं था ना, तो पता होता तो फिर आता ही नहीं। आज खत्म हो गया है। अच्छा, की जाना था आपने? थड़क थड़क। के नाम आपका? धर्मदास। अच्छा, फिर के का है तेल? हड़ताल बताओ। हड़ताल बताओ? तो तेल रहे नहीं ना मोटरसाइकिल का? खत्म हो गया। देरी भी ऊपर पहुँचोगे? देखो कुछ भाई पगल हुआ हूँ थोड़ा मोटा, किसी होने के लिए ज़्यादा गति खत्म हो गई। परेशानी होगी सर? परेशानी की समस्या हो रही है, हम दिन हुआ माउली पगल हुआ जी, दो पेट्रोल पंप अच्छा बंद हो पाए। फिलहाल सोनीपत में पिछले 10-12 दिन से 10-12 ही घटना हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन से मिल लिए सारे पदाधिकारी, लेकिन उसका कोई जो नहीं रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और आखिर में हमने मजबूरी में कदम उठाना पड़ा हड़ताल के लिए। हम लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि वे आज के लिए या 2 दिन के लिए जैसे भी कोई हड़ताल होगी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मजबूरी में अपनी सुरक्षा के लिए हम इस तरह का कदम उठा रहे हैं। क्या सो क्या क्या घटनाएं होती हैं? घटनाएं आप रोज पेपर में पढ़ रहे हो, कोई डकैती हो जाती है, कोई कुल्हाड़ी गैंग है, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कौन कौन से गैंग आए हुए हैं, वो हमारे सेल्समैन को भी मालिक को भी कहीं कहीं मार के चले जाते हैं। पिछले सप्ताह एक बार ये घटना हुई थी, ये पिछले सप्ताह नहीं पिछले 1-2 साल पहले हमारे भारत पेट्रोलियम का पंप था रोड रोड पर, उसका मर्डर ही कर दिया था। तो इसी तरह हमने तो अपनी सुरक्षा चाहिए, जब तक हमारे जो सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी सरकार, हम पेट्रोल पंप खोलने वाले नहीं। क्या रहेगा फिर
एक दिन का है तो देखो, हमने तो एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की, अगर आगे भी कोई ऐसा होता रहा तो हम आगे भी जो हमारे यूनियन है हमारे पदाधिकारी जो फैसला देंगे उस पर अड़ी है। हड़ताल है, क्यों करनी पड़ेगी हड़ताल है? अरे मेरे यार, प्रशासन नाम की तो कोई चीज रह नहीं रही, कोई इन लूटेगा को मारेगा, प्रशासन ने टैक्स दे हुए हैं तो इसलिए सरकार ने भी इनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो ये हड़ताल की वजह से परेशानी हो रही है या परेशानी तो हो रही है, दुखी हो रहे हैं, सारे दुखी हो रहे हैं। और भाई सब ने कहीं जाना, रिश्तेदारी में कोई बीमार ने को कहीं वो कहीं, हम तो सरकार से या गुजारिश करें भाई इनको इनका काम कर दो, उन पकड़ लो, अत्यारा नरी ये बेचारा काम चलवा दो, इनका भी चल जाए पब्लिक घंटे के लिए आगे भी बढ़ सकती है। अरे वहाँ तो इनको बढ़नी नहीं चाहिए ना, तो ये वो हाहाकार मच जाएगा। सुनवाई होगी लगता है? सुनवाई तो सरकार ने करनी चाहिए, हम तो ये कह सरकार इंटरेस्ट नहीं लेती पूरा। सोनीपत जिले के बंदा बाहर के तो खुले हैं? अरे हाँ बाहर के तो खुले हैं, पर मैंने तो को सरकार ने एक्शन ले गए 24 घंटे में कार्रवाई बैठा कर ये भी खुल देना चाहिए। चलो, और भी जो यहाँ जो तेल लेने के लिए आए थे आज क्या? हाँ, जोगिंदर नाम है जी, देश कहाँ से आए थे? यहीं मंडी के पास से। अच्छा, तो तेल नहीं मिला? तेल नहीं मिला जी। क्या क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं हड़ताल है, कहीं भी नहीं मिल रहा? कहीं भी नहीं मिल रहा, सभी पेट्रोल पंप? सभी पेट्रोल पंप। अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सरकार ने फिर इनकी बात माननी चाहिए? माननी चाहिए, माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए। खुलने चाहिए पेट्रोल पंप? खुलने चाहिए। नहीं जी, वो अत्याचार तो हो ही रहा सर, ये इसका कारण तो तेल के कारण सभी व्हीकल चल रहे हैं, तेल ठप हो गया तो फिर व्हीकल बंद हो गए। कहाँ जाना था? मनो सोनीपत जाना था जी, सोनीपत जाना। तो ये आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर जो है सभी मशीनें बंद है, और पूरे सोनीपत जिले के पेट्रोल पंप आज बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, 24 घंटे का जो है ये बताया जा रहा है कि ये बंद रहेगा, और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो कल 6 बजे तक जो है सभी पेट्रोल पंप सोनीपत, पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना कि सभी पेट्रोल पंप जो है वो बंद रहेंगे, उसके बाद क्या कुछ इनकी बातचीत प्रशासन से होती है।